नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करने की शिकायत पर पुलिस की टीम ने दो एडवाइजरी कंपनी के कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। पुलिस ने इन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले युवक और युवतियों से पूछताछ की। जिन कंपनियों पर छापा मारा गया है उनमें से एक भागने की फिराक में थी। पुलिस ने PU4 नाम की बिल्डिंग में ये छापा मारा है। इस बिल्डिंग में शेयर बाजार एडवाइजरी कंपनी मार्केट कैप्टन्स का कॉल सेंटर है। इसके साथ ही वेस्ट टू कैपिटल, एक अन्य एडवाइजरी कंपनी के दफ्तर पर भी पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि इन कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। कॉल सेंटर सील कर दिया गया है। संचालक सहित वहां काम करने वाले युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि एडवाइजरी कंपनी के कॉल सेंटर पर छापेमारी की है और छापेमारी करके कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ भी की। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला है। मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भारी बारिश से प्रभावित मंदसौर जिले का हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावितों के लिए राहत शिविरों, भोजन और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल समुचित राहत पहुंचाई जा रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बाजखेड़ी गांव में स्थानीय तालाब के फूटने से चांगली और मोहम्मदपुरा गांव में प्रभावित परिवारों को मदद की जाएगी। प्रभावित क्षेत्र में 892 परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला एवं तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को 50-50 किलो गेहूं निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। पीड़ितों को स्थानीय स्कूलों में लगाए गए अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया गया है और उनके भोजन समेत सभी प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है जिसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। वहीं भोपाल में मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बैतूल में हो रही बारिश को लेकर कहा कि सभी लोगों को बारिश में सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैतूल में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इसके लिए DM ने के निर्देश दिए जाएंगे। बारिश में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बयान दिया है, शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए हैं। प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। पानी को पूरे शासन की तरफ से निर्देश हैं कि जहां किसी प्रकार की जैसी ये घटनाएं अगर जहां भी होती हैं या जहां पानी अधिक वर्षा हो जाती है, जिससे कि वहां पर अलर्ट रहें वो। अगर कोई भी किसी प्रकार की, आपने जैसा बताया कि बैतूल का है, तो उसमें हम बात करेंगे कलेक्टर से कि वहां वो बच्चे सब सुरक्षित रहें, वहां गांव वालों को भी अलर्ट रहें जहां पानी अधिक वर्षा। और भोपाल में जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कोपल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि शपथ को पूरा करने के प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। PC शर्मा ने कहा कि परिश्रमी और उद्यमी को शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्षेत्रीय पार्षद संतोष कसाना, संचालक BP शर्मा मौजूद रहे। मंत्री PC शर्मा ने छात्र संघ को शपथ दिलाई। छात्र शपथ को पूरा करने के प्रयास करें, PC शर्मा का कहना है। मंत्री PC शर्मा ने छात्र संघ को शपथ दिलाई है, शपथ को पूरा करने का प्रयास करें, PC शर्मा का कहना है। छात्र संघ को शपथ दिलाई। और मध्य प्रदेश के सीहोर से जिले के गांव भोजनगर की मेघा परमार ने हिमालय के माउंट एवरेस्ट के बाद अब यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया है। ये कीर्तिमान बनाने वाली वो प्रदेश की पहली महिला हैं। आपको बता दें कि मेघा रूस के पर्वत माउंट एवरेस्ट पर 8 अगस्त को
स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:14 पर -18 डिग्री तापमान में पहुंची थी। मेघा भोजनगर गांव के किसान दामोदर परमार और मंजू परमार की बेटी हैं। वहीं मेघा ने इसी साल 22 मई को विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। मेघा ने अपना एक्सपीडिशन 5 अगस्त को शुरू किया था। 8 अगस्त को रात 1 बजे निकलकर सुबह 10:14 पर चोटी पर पहुंचकर समिट किया। मेघा की टीम लीडर भरत, गाइड यूरी और सदस्य अरुण, आशा, महिपाल, सतीश और शेखर थे। मेघा को महिला बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसान की बेटी ने आसमान छुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस पर तिरंगा लहराया। ये कीर्तिमान बनाने वाली वह प्रदेश की पहली महिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर 20 अगस्त तक विजिटर एंट्री बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन के आदेश अनुसार बोर्डिंग पास काउंटर 45 मिनट पहले ही बंद कर दिए जाएंगे। एयरपोर्ट पर 20 अगस्त तक सिर्फ यात्री ही लाउंज में प्रवेश पा सकेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों के चलते एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो 20 अगस्त तक विजिटर्स एंट्री बंद रहेगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, जिसको देखते हुए एहतियात के बरती जा रही है। और 15 अगस्त को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो को साल 1993 में व्याख्यान माला प्रारंभ करने के लिए हिंदी भवन में सम्मानित किया गया। समिति में डॉक्टर साधो को प्रणेता के रूप में ये सम्मान प्रदान किया गया है। मंत्री डॉक्टर साधो ने कहा कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की गतिविधियां हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण रही हैं। मंत्री डॉक्टर साधो और केंद्रीय मंत्री पटेल ने व्याख्यान माला के संकलन संवाद हस्तक्षेप के साथ ही 2 अन्य कृतियों का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि व्याख्यान माला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने आयोजित की। इस साल व्याख्यान माला महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर केंद्रित की गई है। तो मंत्री को सम्मानित किया गया, संस्कृति मंत्री साधो को सम्मानित किया गया है, हिंदी भवन में उनको सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं।